अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, हाउ आर यू? लेट्स कम टू द स्टडीज. ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 63. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक गंधारा. गंधारा इज द एंशियंट नेम ऑफ एन एरिया इन द खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान. गंधारा दर हकीकत एक इलाके का नाम है, एक जगह है जो हमारे जो पाकिस्तान का मौजूदा सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ का एक पुराना इलाका है, कदीम इलाका है, उस इलाके का नाम है गंधारा. फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी टू द 8th सेंचुरी एडी द पीपल ऑफ दिस एरिया डेवलप्ड वेरी इम्प्रेसिव स्टैचूज ऑफ बुद्धा विच मेक्स द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ साउथ एशियन स्कल्पचर स्टैचू मेकिंग विद अ ब्यूटिफुल ग्रीक स्टाइल. यहाँ गंधारा जो फेमस हुआ इलाका, उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर तकरीबन फर्स्ट सेंचुरी से 8th सेंचुरी तक जो लोग यहाँ पर रहते थे, उन्होंने यहाँ जो स्कल्पचर था, बुत साजी जिसे कहते हैं, बुत बनाने का काम जो है, और खास तौर पे जो बुद्धा के जो स्टैचूज हैं वो बनाए, और वो एक रिवायती तरीका है उनका, जो वहां के रहने वाले लोगों का ये आर्ट था. लेकिन साथ साथ उसके अंदर जो है वो यूनानी आर्ट जो है वो भी शामिल हो गया. और उसकी रीजन, जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा था, अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो है वो इन्वेजन थी, अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर आजम इस इलाके में आया, तो वहां का जो उनका अपना आर्ट था वो भी यहाँ के इलाके के लोगों के आर्ट के साथ मिक्स हो गया, और वो वहां की सोच, वहां का जो फन था वो सब इसमें शामिल हो गया. तो एक जबरदस्त किस्म का जो फन था, आर्ट था, वो यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो गया. और उससे पहले हम बुद्धिज्म के हवाले से भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि इस एरिए में जो ये बुद्ध मत का जो रिलीजन था, मजहब था, वो तेजी से फैलना शुरू हो गया. और जो है वो गौतम बुद्ध की वफात के बाद उन्होंने उसके बुद्ध जो है वो बुद्ध बनाना शुरू कर दिए थे, और ये इसी इलाके से खास तौर पे जो है वो उसका जो ये आर्ट शुरू हुआ, और उसके जो है वो स्टैचूज बनना शुरू हो गए. सो इस इलाके में जो है वो इस लिहाज से ये बहुत मशहूर था, स्कल्पचर के लिहाज से, और अभी भी वहां पर जो म्यूजियम वगैरह हैं उस इलाके में खास तौर पे, और पाकिस्तान के और जगहों पे भी, तो उस वहां से जो कुछ भी आर्ट मिला है वो यहाँ म्यूजियम में रखे हुए हैं. मेनी ऑफ दीज स्टैचूज हैव बीन फाउंड फ्रॉम द रुइंस ऑफ टेक्सिला एंड अदर एरियाज इन द रीजन. और बहुत सारे जो हैं उसके ये इनका जो फन है, और इतनी सदियों पुराना कहा जा सकता है, वो टेक्सिला के जो आसार हैं, जो तबाहशुदा शहर के जो भी चीजें जो मिली हैं कदीम जमाने की, वो उनमें बहुत सारे इस तरह के स्टैचूज वगैरह मिले हैं जो गंधारा जो फन है, आर्ट है उनका, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी अमंग द मोस्ट ब्यूटिफुल मास्टर पीसेज ऑफ एंशंट स्कल्पचर इन द वर्ल्ड. और ये इतने जबरदस्त और खूबसूरत बने हुए स्टैचूज हैं कि ये दुनिया के अंदर जो बुत तराशी का, बुत साजी का जो आर्ट है, उसके जबरदस्त मास्टर पीसेज हैं, शाहकार जिसे कहते हैं. ऐसे शाहकार जो बहुत ही जबरदस्त किस्म का आर्ट हो, बहुत खूबसूरत फन जो है वो बनाया, पेश किया जाए, तो उस तरह का जो मास्टर पीस है शाहकार समझे जाते हैं दुनिया में. और इसी पेज पर यहाँ देखें, आपको ये बुद्धा की एक पिक्चर नजर आ रही है, ये वही है जो टेक्सिला से मिले हैं. उसमें यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा, द फास्टिंग बुद्धा डिस्कवर्ड फ्रॉम टेक्सिला इज नाउ अ मेजर अट्रैक्शन इन द लाहौर म्यूजियम. ये लाहौर म्यूजियम में ये जो है स्टैचू रखा हुआ है. इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल स्कल्पचर्स इन द वर्ल्ड. और दुनिया में जितने भी जो है वो मुजस्मा साजी के फन पारे हैं, जो आपको नमूने मिलेंगे, उनमें दुनिया के बेहतरीन स्कल्पचर में से ये समझा जाता है. अकॉर्डिंगली थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट पाकिस्तान एवरी ईयर टू सी द रुइंस ऑफ गंधारा मोनास्ट्रीज हॉस्टल्स ऑफ बुद्धिस्ट प्रीस्ट. तकरीबन हजारों सयाह जो हैं वो दुनिया से पाकिस्तान विजिट करते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, और फिर गंधारा जो मोनास्ट्रीज हैं, खानकाहें जिसे हम कहते हैं, यानी जो बुद्ध मत से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, उसके पैरोकारों की जो खानकाहें हैं, रहने वाली जगह या हॉस्टल्स जिसे हम कह सकते हैं, वहां का विजिट करते हैं, और वहां इस किस्म की जो आर्ट है वो उनको देखने को मिलता है. नेक्स्ट वन इज टेक्सिला. टेक्सिला वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर इन एंशियंट साउथ एशिया.
जो कदीम साउथ एशिया का इलाका है, जनूबी एशिया का इलाका है, उसका एक अहम मरकज है ये। इट वॉज सिचुएटेड नियर द मॉडर्न सिटी ऑफ रावलपिंडी एंड द पीपल ऑफ दिस एरिया यूज टू कॉल इट तक्षशिला। हमारा खास तौर पे हम जहाँ रह रहे हैं रावलपिंडी जदीद शहर जो है इसका बहुत करीब का इलाका है, वहाँ की तरफ जाते हुए रास्ते में ये इलाका आता है एरिया टैक्सिला, और यहाँ के जो उस इलाकाई लोग थे वो इसको टैक्सशिला कहते थे इस इलाके को। अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑल्सो विजिटेड दिस सिटी बट इट्स रियल ग्लोरी स्टार्टेड अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स लेटर व्हेन इट बिकेम अ बुद्धिस्ट प्लेस ऑफ लर्निंग। सिकंदर आजम ने, अलेक्जेंडर ने भी इस इलाके का, इस शहर का जो है वो विजिट किया था, यहाँ आया था, लेकिन यहाँ ये जो शहर है खास तौर पर जो मशहूर हुआ और जो इसकी शोहरत की वजह है वो तकरीबन अलेक्जेंडर के भी कई सौ सालों के बाद, जब यहाँ पर ये बुद्धमत मजहब जो है वो फैलना शुरू हुआ, बुद्धिस्ट यहाँ पर बुद्धमत से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ रहना शुरू हुए, फिर उन्होंने इसकी इसी तरह से इसके स्कल्पचर्स के साथ और इसी तरह की मुजस्मा साजी के साथ इस इलाके को, और खास तौर पे बुद्धमत की जो तालीमात थी, ये टीचिंग्स ऑफ बुद्धा मैंने आपको प्रीवियस लेसन में करवाया था, उस तालीम की जो तबलीग शुरू हुई थी इस इलाके में, तो उसकी वजह से ये शहर जो है वो ज्यादा मशहूर हो गया था। मैनी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज एंड स्टूपाज फोकस ऑफ मेडिटेशन इन बुद्धिस्ट रिलीजन वर बिल्ड देयर। ये स्टूपाज जो है बेसिकली ये फन तामीर है बुद्धमत से ताल्लुक रखने वाला, जैसे गुम्बद होते हैं गोल गोल और उस तरह की जो है, क्योंकि खानकाहें हैं या जो मजहबी जगह हैं वहां पर वो स्टूपास बनाए होते हैं जगह जगह पर, यानी कि गोल गोल गुम्बद जो है वो बनाए जाते हैं और वो उनकी एक मजहबी तालीम को की कुछ जो है अकीदे को रिप्रेजेंट करता है, उसको स्टूपा कहते हैं। तो इनकी जो बुद्धमत से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और मजहब से, उनकी जो मोनास्ट्रीज हैं, उनकी खानकाहें हैं, जो भी उनके वो घर बनाए जाते हैं, वो जो हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ इस इलाके में तामीर किए गए। आउट ऑफ दीज धर्मा राजिका स्टूपा वाज सो बिग दैट इट्स रिमेन्स टूडे लुक लाइक अ लिटिल माउंड। जो एक स्टूपा था, एक इमारत थी धर्मा राजिका जो है वो इतनी बड़ी थी कि अगर उसको दूर से देखा जाए तो वह एक पहाड़ की तरह नजर आएगी। Some of these monasteries could accommodate hundreds of monks or religious devotees in Buddhist religion. कुछ उनकी जो monasteries यानी खानकाहें जिसे जो उनके रहने की जो लोग विजिट करते थे, जो आते थे अपनी इबादत के लिए, वो खानकाहें जो है वो इतनी बड़ी बड़ी थी कि उसमें सैकड़ों लोग यानी कई सौ जो बुद्धमत से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, पैरोकार हैं, वो आते थे तो उनको आराम से अकोमोडेट किया जा सकता था। Who used to come there for from far off places, including other parts of South Asia and even China. और ये बड़ी तादाद में जो लोग आते थे, ये बहुत दूर दूर की जगहों से यहाँ पर अपने इबादत के लिए आते थे या विजिट करने आते थे साउथ एशिया के इलाकों से खासतौर पर और चाइना से भी। तो ये बड़ी तादाद में होते थे, सैकड़ों कई कई सौ की शक्ल में होते थे, और ये इतनी बड़ी बड़ी इनकी खानकाहें होती थी, इतने बड़े बड़े ये हॉस्टल्स होते थे कि कई कई सौ लोग जो है वो उसके अंदर आराम से रह सकते थे। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई है, बुक वर्क जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेसन में करवाऊंगी। इसका एक जो प्रोजेक्ट वर्क है वो काफी जो है वो इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये मैं आपको दूंगी। राइट अ रिपोर्ट ऑन अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द कंट्रीज ही कॉन्कर्ड। अलेक्जेंडर द ग्रेट का टॉपिक मैंने आपको प्रीवियस लेसन में करवाया है और आपको जो है वो सर्च करके भी नेट से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या आपके पास कोई हिस्टोरिक बुक है अलेक्जेंडर द ग्रेट के हवाले से तो आप वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर एक रिपोर्ट लिखेंगे, और उसमें खास तौर पे आप वो इलाके मुमालिक जो है उनके नाम भी लिखेंगे जो उसने अलेक्जेंडर द ग्रेट ने फतह किए थे। ठीक है, तो ये जो आपका एक्सरसाइज डी है कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोजेक्ट, ये आपने करना है। बहुत लंबा नहीं करेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, टू द पॉइंट होनी चाहिए रिपोर्ट और जो कंट्रीज उसने फतह की है। ठीक है, इंशाल्लाह रिमेनिंग जो आपका बुक वर्क है वो अगले लेसन में। अल्लाह हाफिज़।